I, Prasanna Balachandra Varale, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जिन जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली है वो दलित बैकग्राउंड से आते हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के बाद आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में अब एक साथ तीन दलित जज हो गए हैं। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सी टी रवि कुमार के साथ ही अब जस्टिस प्रसन्ना बी वराले सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दलित जज के तौर पर नियुक्त हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ तीन तीन दलित जज बने हैं। कहते हैं लोकतंत्र की चक्की भले ही धीरे धीरे पीसती है लेकिन बहुत ही महीन पीसती है। पिछले ही साल 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर देश की सबसे बड़ी अदालत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लोग कह रहे थे कि अब जुडिशरी पर बाबा साहेब की नज़र रहेगी और उस नज़र का असर भी दिखाई दे रहा है। अब न्यायपालिका में डाइवर्सिटी लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आई प्रसन्न भालचंद्र वराले, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, इसी महीने पांच जजों वाली कॉलेजियम ने जस्टिस वराले के नाम की सिफारिश की थी क्योंकि वो हाई कोर्ट्स के जजों में सबसे सीनियर थे और किसी भी हाई कोर्ट के इकलौते दलित चीफ जस्टिस थे, यानी वो इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपको पहले जस्टिस वराले के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि वो कौन है, उन्होंने कहां से पढ़ाई की, कहां जन्म हुआ, क्या किया, और इसके बाद हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों मुमकिन हो पाया। कौन है जस्टिस वराले? जस्टिस प्रसन्ना बी वराले का जन्म 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपाणी में हुआ। उनका वकालत का करियर काफ़ी शानदार रहा है। जस्टिस वराले ने 1985 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आर्ट्स एंड लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1985 में अपने वकालत के करियर की शुरुआत की। उन्हें जुलाई 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। तीन साल बाद उन्हें हाईकोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस वराले ने 14 साल तक अपनी सेवाएं दी जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि देश के सभी हाईकोर्ट्स में उस वक्त वो शेड्यूल कास्ट से आने वाले इकलौते चीफ जस्टिस थे। जस्टिस वराले अपनी वकालत के सफर का श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देते हैं और वो अपने परिवार को उसके करीब मानते हैं। उनका कहना है कि अम्बेडकर का उनके परिवार पर काफी प्रभाव रहा है। जस्टिस वराले का परिवार अम्बेडकरवादी है और बाबा साहब का अनुयायी भी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर निर्देश दिए और फैसले भी सुनाए। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। यहाँ सबसे खास बात यह भी है कि सिर्फ एक दलित व्यक्ति जज नहीं बने हैं बल्कि एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति देश की सबसे बड़ी अदालत में बतौर जज नियुक्त किए गए हैं। इसलिए जस्टिस वराले की नियुक्ति कई मायनों में अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ तीन तीन सिटिंग जज दलित बैकग्राउंड से हो। इसलिए अब 2025 में भारत का जो चीफ जस्टिस होगा वो अनुसूचित जाति से ही तय होगा क्योंकि सीनियोरिटी के आधार पर 2025 में इन तीनों सिटिंग जजों में से ही एक जज का नंबर आएगा। अप्रैल 2019 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक भी अनुसूचित जाति का जज नहीं था लेकिन बहुजनों ने इनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बहुजनों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर कास्टिस्ट कॉलेजियम कई बार ट्रेंड हुआ। लोगों ने जुडिशरी पर भाई भतीजावाद करने के गंभीर आरोप लगाए। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में धरना दिया तो किसी ने PIL दाखिल कर बिना सवर्ण जजों वाली बेंच बनाने की मांग कर डाली। दबाव इतना बड़ा कि कानून मंत्री से लेकर राष्ट्रपति महोदया तक ने जजों के सामने ही उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त होने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में सिर्फ चंद जाति के जज ही होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप है कि वो जातिवादी नजरिए से SC ST OBC जजों की नियुक्ति नहीं करता और सिर्फ अपनी ही जाति और अपने ही परिवार के लोगों को जज बनाता है। भारत की न्याय प्रणाली में सभी वर्गों और जातियों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए।
कॉलेजियम सिस्टम के कारण सिर्फ चंद जातियों के लोग ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते जा रहे हैं और दलित बहुजन समाज के लोग जज नहीं बन पाते। न्यायतंत्र में डायवर्सिटी ना होने के कारण भी अक्सर दलित विरोधी फैसले और टिप्पणियां भी देखने को मिलती हैं। अगर वहां सबकी नुमाइंदगी होगी तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा, इसलिए इस डायवर्सिटी का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी पुरानी मांग को छोड़ देंगे। हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना चाहिए, चाहे भले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जज बनने के लिए यूपीएससी जैसी कोई ऑल इंडिया परीक्षा ले लो, लेकिन जजों की नियुक्ति परीक्षा से होनी चाहिए। दुनिया भर में न्यायपालिका में विविधता का ख्याल रखा जाता है कि वहां डाइवर्सिटी हो, इस बात की खास ख्याल रखा जाता है। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने तो जुडिशरी में डायवर्सिटी को लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के तीसरे चैप्टर में ना सिर्फ लिंग के आधार पर महिलाओं की भागीदारी की बात की गई थी, बल्कि ब्लैक, एशियन माइनॉरिटी, एथनिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की कम भागीदारी पर भी चिंता जताई थी। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम में ब्लैक और शारीरिक रूप से विकलांग महिला और व्हाइट जजों का होना जरूरी है। वहां जजों की नियुक्ति में विविधता का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज कॉलेजियम के नाम पर अपनी जाति और परिवार के लोगों को जज बनाते रहते हैं। इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होता है और देश के लोकतंत्र के लिए ये ठीक बात नहीं है। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का सबसे अहम पिलर माना जाता है, इसलिए न्यायपालिका को तो निष्पक्ष और विविध होना ही चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सुधारने की कोशिश की है और इस कोशिश का स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ ही कॉलेजियम को खत्म करने की मांग को भी मजबूती से उठाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।